हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं नई एंड गेम लेके लाया हूँ आपके सामने। बहुत ही ब्रिलियंट है। इसमें भी ये पोजीशन है जहाँ पे वाइट का पॉन B3 पे है, वाइट का किंग A5 पे है और ब्लैक पॉन ब्लैक की एक मिस्टेक गेम ड्रॉ करवा सकती है और परफेक्ट मूव ब्लैक कैन विन दिस गेम। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि कैसे गेम जीत रहा है। थिंक कीजिए खुद, मैं तो बताऊंगा आपको। सबसे पहले अगर ब्लैक ने F5 किया तो यहाँ पे सिंपल गेम ड्रॉ हो जाएगी। कैसे? आफ्टर किंग B4, अगर किंग D5 आता है तो यहाँ पे किंग C3, आफ्टर F4 और किंग D3 ड्रॉ बाय एग्री हो सकता है। इसमें सिंपल ड्रॉ है अब, क्योंकि ब्लैक का पॉन बर्गर स्क्वायर के अंदर है और व्हाइट का भी पॉन ब्लैक को मारने जाना पड़ेगा। तो ये पोजीशन एक मूव में ब्लैक मतलब व्हाइट कैन ड्रॉ दिस गेम। ऐसी कौन सी मूव है जहां पे ब्लैक विन हो सकता है? कैलकुलेशन जरूरी है दोस्तों। कितने मूव के बाद क्वीन बन रही है, उसके बाद के मूव्स भी क्या होने वाले हैं, ये भी आपको कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन है किंग D5, ये सरप्राइज मूव है। उसके बाद ब्लैक कैन विन दिस गेम आफ्टर B4। अब यहां हमारा कैलकुलेशन पॉन F5, B5, F4, B6, देन किंग C6, आफ्टर किंग A6, F3, B7, F2। ब्लैक एक मूव पीछे रहता है क्वीन बनने में। पहले व्हाइट की क्वीन प्रमोट होगी, लेकिन फिर भी आखिर में ब्लैक सिंपल विन हो रहा है। जैसे कि आफ्टर B8 क्वीन, F1 क्वीन, और ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे डायरेक्टली चेक के साथ क्वीन प्रमोट हो रही है। अब व्हाइट के पास दो दो प्रॉब्लम है। अगर A7 जा रहा है तो क्वीन A1 से डायरेक्ट चेकमेट हो रही है। चेक में अगर व्हाइट A5 जा रहा है तो नेक्स्ट मूव क्वीन A1 चेक, आफ्टर किंग B4 और क्वीन B2 स्क्यूअर से सिंपल व्हाइट विल लॉस द क्वीन। दोस्तों ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही मजेदार पोजीशन है। यहाँ व्हाइट और ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है और ब्लैक किंग C1 खेल रहे हैं रियल गेम में। किंग C1 के बाद G7, B1 प्रमोट द क्वीन और G8 प्रमोटिंग टू द क्वीन। लेकिन ये गेम सिंपल ड्रॉ है, क्वीन वर्सेस क्वीन। तो ये गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो गई आफ्टर क्वीन क्वीन एक्सचेंज होने के बाद। नाइट विनिंग मटेरियल नहीं है दोस्तों। यही गेम को हम घुमा फिरा के विनिंग ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम रिवर्स जाते हैं। प्रमोशन से पहले क्या खेलना था वहां पे ब्लैक कैन विन द गेम सिंपल। लेकिन मूव आप सोच नहीं सकते हो, ऐसा मूव है इसमें। वीडियो पॉज करके खुद सोचिए, बाद में अगर आपको आंसर मिल जाता है तो मुझे बताइए। सबसे पहले यहां पे बेस्ट मूव है नाइट D5, सैक्रिफाइस योर नाइट। व्हाइट अगर G7 करता है तो सिंपल नाइट E7 और ब्लैक सिंपल विनिंग है, क्योंकि नाइट ये G7 को कंट्रोल कर लेता है और आफ्टर किंग C1 देन सिंपल वन मूव क्वीन हो जाती है। तो यहाँ पे फोर्स मूव क्या होगा? इंस्टेड ऑफ G7 व्हाइट को कंपलसरी नाइट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आफ्टर किंग टेक्स नाइट, किंग C1, G7, देन B1 टू प्रमोट द क्वीन। अब देखिए व्हाइट क्वीन जैसे ही प्रमोट करता है, व्हाइट इज इन स्क्यूअर, क्वीन B3 एंड सिंपल किंग D6, देन क्वीन टेक्स क्वीन। ब्रिलियंट एंड गेम, नाइट का सेक्रीफाइस। दोस्तों अब देखेंगे एक्टिव किंग के बारे में। एक्टिव किंग एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। एक्टिव किंग जिसका होता है वो गेम जीत सकता है।
ये पोजीशन जो है यहां पे आप पॉन की पोजीशन देख लीजिए, व्हाइट का पॉन एक ये एंड गेम में आइसोलेटेड है और यहां पर डबलिंग पॉन है, तो व्हाइट को क्या इसमें एक्सचेंज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर व्हाइट ने रुक C1 खेला है लास्ट मूव में तो ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे सिंपलीफाई करके ब्लैक गेम जीत सकता है। कैसे? तो सबसे पहले रुक C1, किंग टेक C1। अब ये किंग पॉन एंडिंग आ गई जिसमें ब्लैक व्हाइट की जो वीकनेस है उसका एडवांटेज ब्लैक को मिलेगा। अब रूट कौन सा पसंद करोगे आप? सबसे पहले आपको रूट पसंद करना पड़ेगा, बेस्ट रूट। तो रूट कौन सा है किंग का? जैसे कि यहां से लेके हमें H3 पे जाके ये वीकनेस पे अटैक करना है, तो सबसे पहले हम पसंद करेंगे किंग F6। आफ्टर किंग F6 व्हाइट सिंपल किंग D2 खेलेगा, वो भी अपने पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना ही जरूरी है। किंग D2 के बाद किंग G5, किंग E2, किंग H4, किंग F1, उसके बाद किंग H3, किंग G1, ये मूव हो गया फोर्स। आफ्टर किंग G1 E5 ब्लैक अब व्हाइट जुगजोंग में आ गया है, तो किंग H1 फोर्स मूव है। उसके बाद B5, यहां पे व्हाइट के सारे मूव ब्लॉक करने हैं सबसे पहले। अब ये A4 स्टॉप हो गया, तो व्हाइट के पास ऑप्शन है सिर्फ किंग G1 का। आफ्टर किंग G1 अब यहां पे ब्लैक F5 खेलेगा, उसके बाद किंग H1, फिर G5, किंग G1, उसके बाद H5, किंग H1, और यहां पे G4 पॉन ब्रेक लेना है। व्हाइट E4 खेलेगा काउंटर अटैक में, तो E4 के रिप्लाई में F×E4 और सिंपल यहां पे F×E4 और उसके बाद H4। अब व्हाइट के पास कोई ऑप्शन नहीं है किंग G1 के अलावा, और फिर G3, H takes G3, F takes, King takes G3, और King on third rank is simple winning the game। तो ऐसे आप एंड गेम का कैलकुलेशन करके गेम जीत सकते हो। तो कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। कोई भी स्लाइड आपको वीकनेस देती है सामने वाले की बोर्ड पे, जरा भी आपको वीकनेस दिखाई देती है तो उसे एंड गेम में कन्वर्ट कर दीजिए। गेम को रुक एंडिंग से लेके किंग पॉन एंडिंग में ला दीजिए। दोस्तों कुछ एंड गेम में हम जल्दबाजी कर देते हैं तो गेम ड्रॉ हो जाती है, और अगर हम परफेक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पे विन भी हो सकती है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये पोजीशन में व्हाइट ने रियल गेम में एक्चुअल गेम में खेला था G4। G4 के बाद ये गेम लास्ट में ड्रॉ हो गई थी। कैसे ड्रॉ हुई थी और व्हाइट कैसे गेम जीत सकता था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे व्हाइट ने तुरंत G4 खेला, तो यहां पे ब्लैक प्लेड G5, व्हाइट प्लेड G5, और यहां पे B4, आफ्टर G6, B3 चेक, किंग C3, B2, देन G7, B1 क्वीन, और डायगोनल में स्क्यूअर नहीं है आफ्टर B8 क्वीन के बाद। तो यह पोजीशन चेक के साथ हुई थी और यहां पे गेम में कुछ अलग रिजल्ट आ गया था। आफ्टर G8 क्वीन, किंग A1 और ये क्वीन A2, और ये गेम हो गई ड्रॉ।
अब दोस्तों इसी गेम को जीतने की स्टाइल क्या है, व्हाइट को क्या खेलना चाहिए था। सबसे पहले किंग सी थ्री, अब ब्लैक कंपल्सरी किंग ए थ्री खेलेगा, अदरवाइज किंग बी फोर, देन व्हाइट कैन स्टॉप द पॉन, और व्हाइट का ये पॉन सिंपल क्वीन पर। तो इसके लिए ब्लैक खेलेगा किंग ए थ्री, ये परफेक्ट रूट है। उसके बाद किंग सी फोर, तो यहां ब्लैक को किंग ए फोर कंपल्सरी मूव है, उसके बाद जी फोर। अब बी फाइव अगर ब्लैक चेक देता है तो सिंपल किंग सी थ्री, यहां पे किंग डी थ्री, हम चेक ये मूव में वापस से किंग, ध्यान रखिए किंग सी थ्री नहीं आना है क्योंकि यहां पे चेक आ रहा है, तो किंग डी थ्री इज गुड मूव। आफ्टर किंग डी थ्री व्हाइट ब्लैक खेलेगा किंग ए थ्री, उसके बाद जी फाइव, पॉन बी फोर, जी सिक्स, देन बी थ्री, जी सेवन, बी टू, और यहां पे किंग सी टू, किंग ए टू, और अब जी एट क्वीन चेक के साथ, और उसके बाद सिंपल व्हाइट कैन विन द गेम सिंपल, क्योंकि किंग अगर यहां आता है ए वन पे तो क्वीन ए एट चेकमेट है, और अगर किंग ए थ्री जाता है तो सिंपल किंग बी वन और विन द गेम। तो दोस्तों एक मूव चेंज करने में आप गेम पूरी जीत जाते हो, एक मूव गलत करने में गेम ड्रॉ हो सकती है। तो ये थी आज की एंड गेम, बहुत सारी एंड गेम लेके मैं आने वाला हूँ अगले वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।